स्टूडेंट वेलकम टू वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल स्कूल क्लास फर्स्ट। आज आप लोग का उर्दू का पीरियड है और उर्दू में आज हम सेकंड चैप्टर की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है बड़ा आदमी। बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी कोई भी ऐसे नहीं बन जाता, उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज हम चैप्टर में ऐसी शख्सियत यानी एक ऐसे बड़े आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। इसलिए पेज नंबर 56 ओपन करें। बड़ा आदमी। रात का आखिरी पहर था, सारी दुनिया नींद के मजे ले रही थी। घर के सब लोग सो रहे थे, रात थी और सब लोग सो रहे थे। घर में पूरी दुनिया सो रही थी और घर के लोग भी सो रहे थे। एक छोटी बच्ची की अचानक आँख खुली तो इसने कमरे में रोशनी देखी। वो ये समझी कि भाई सोते हुए रोशनी बुझाना भूल गया है। भाई बहन का जिक्र किया गया है और एक छोटी बच्ची यानी उसकी जो भाई की जो बहन थी वो अचानक से उसकी रात को आँख खोली तो कमरे में गई तो वहाँ एक रोशनी जल रही थी। तो उसको लगा भाई इसका भाई रोशनी बुझाना भूल गया है। वो उठकर चुपके से कमरे में गई तो देखा कि इसका भाई पढ़ने में मसरूफ था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी बुझाना भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जब कमरे में गई तो उसका भाई पढ़ाई कर रहा था और वो पढ़ाई में इतना मसरूफ था कि उसको रात का पता ही ना चला। वो पढ़ाई में इस कदर मसरूफ था कि उसे रात गुजरने का पता ही ना चला। छोटी बच्ची ने भाई से कहा कि इतनी रात हो गई है और आप अभी तक नहीं सोए। आप अगर आराम नहीं करेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। छोटी बच्ची ने जब इतनी रात को भाई को पढ़ाई करते हुए देखा, दोनों ने उससे अपने भाई से पूछा कि आप अभी तक क्यों नहीं सोए और अगर आप आराम नहीं करेंगे, आप हर वक्त पढ़ते रहेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। भाई ने जवाब दिया, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। उन्होंने कहा, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। जो उनका भाई था उनको बड़ा आदमी बनने का शौक था। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वो दोनों भाई बहन भाई कौन थे? बहन का नाम फातिमा जिना और भाई का नाम मोहम्मद अली जिना था। कायदे आज़म ने अपनी मेहनत और कोशिश से बड़े होकर हमारे लिए पाकिस्तान बनाया और कायदे आज़म के नाम से मशहूर हुए। वो दोनों बहन भाई कायदे आज़म भाई और बहन फातिमा जिना थी। ये दोनों भाई बहनों ने अपनी मेहनत यानी जो उनके भाई थे कायदे आज़म ने अपनी मेहनत और कोशिश की वजह से जो पाकिस्तान बना हुआ है आज उनकी मेहनत से बना है और उनको कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। बच्चों, कायदे आज़म का मतलब है अजीम रहनुमा। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इनकी तरह दिन रात मेहनत करें। मेहनत के बगैर कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। कायदे आज़म का जो नाम उसका है उनका मतलब है अजीम रहनुमा यानी बहुत अजीम हो, और हमें चाहिए कि हम दिन रात मेहनत करें ताकि हम बड़े आदमी बन सकें, और मेहनत के बगैर कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जिस तरह कायदे आज़म ने मेहनत की थी उसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसी तरह कोई भी बैठे बैठे बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसको अगर किसी को शौक है बड़े आदमी बनने का तो उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह कायदे आज़म ने पूरी रात जिस तरह वो पढ़ते थे और उनको रात का पता नहीं, वो इस कदर अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहते थे। और आज पाकिस्तान है तो सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म की वजह से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ की रीडिंग कंप्लीट होती है, आपको एक घर से रीडिंग भी करनी है और पीडीएफ के थ्रू जो काम दिया जाएगा वो आपको पहले टाइटल बनाना है, फिर इसके बाद पीडीएफ के थ्रू जो काम दिया जाएगा वो आपको कॉपी में करना है। और अल्लाह हाफिज़।